गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा बेटा, जिस तरह गूगल मीट पे क्लास लगनी है, तुसी लोग ने अपना माइक और कैमरा दोनों चीज़ां बेटा ऑफ रखनी है। हाँ, इन केस अगर मैं कोई क्वेश्चन तुहानू आस करना होए, फिर तुहाडा माइक आपां लोग ऑन करवा लांगे, और बिल्कुल एक डिसिप्लिनड वे दे नाल जो है वो लैक्चर तुसी लोग ने कंप्लीट कर लेना। देखो, कॉपी पेन और तुहाडी जो बुक है NCERT दी, ठीक है, NCERT दी बुक तो आपां लोग ने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बुक रीडिंग करांगे, फिर उस तो बाद न्यूमेरिकल वर्क है और तुहाडा थ्रेटिकल वर्क है, वो सारा मैं नाल नाल तुहानू कंप्लीट करवाना है, ठीक है बच्चे। सो गेट रेडी, राइट डाउन जी। हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट लेक्चर मैं जूम ते क्लास ली सी बेटा, और इतों तक मेरा ख्याल मैं रीड करवा के कंप्लीट करता। देन देयर इज न्यूमेरिकल, राइट डाउन द स्टेटमेंट जी। अच्छा बेटा, स्टेटमेंट तुहाडे विचों एक जना रीड कर दे, ठीक है, किसी दी ड्यूटी लगाने आ। ऋषभ चल सलोत्रा मैं वर, करूं। हाँ चलो बोल दे बेटा, देख के स्टेटमेंट बोल बच्चे। करंट ऑफ 0.5 A इज ड्रॉन हाँ बाय अ हाँ बेटा, एक फिलामेंट। सेकेंड रुक बेटा, एक सेकेंड। 0.5 A, ए फोर बोल बेटा क्या होता है, ए फॉर एम्पियर, ठीक है ना, ए एम्पीयर। बेसिकली करंट का यूनिट है, ए फॉर एम्पियर, एम्पियर है, ठीक है जी। अच्छा फिर बोल स्टेटमेंट शुरू, तो बोल बच्चे। अ करंट ऑफ 0.5 A इज नहीं, ए नहीं ड्रॉन बाय बोलना, ए नहीं बोलना, ए एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर हाँ जी, एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हाँ जी, ठीक है बच्चे। हाँ बेटा, फाइंड द, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जी दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है। अच्छा बालक बेटा, देखो एक चीज़ क्लियर है, स्टेटमेंट तो एक दो पॉइंट बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाने हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता, फ्लो, और जिस तरह ही इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे, चार्जेस से फ्लो करन दे नाल बेसिकली क्या प्रोड्यूस होंगे, करंट। सो करंट का बेसिक रीजन बेटा क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस, ठीक है। अच्छा जी, करंट गिवन है, टाइम गिवन है, और चार्ज फाइंड आउट करना है। चलो मेरे नाल स्टेप लिखे, जरा लिखे, वी नो करंट इज गिवन बाय, करंट इज गिवन बाय, हाँ जी, करंट आई इक्वल टू चार्ज अपॉन, बच्चे क्या होता जी, टाइम, ठीक है। अच्छा, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, टाइम इज डिनोटेड बाय टी, ठीक है, नंबर लगाओ वन। अच्छा, करंट दी वैल्यू तुहानू गिवन है स्टेटमेंट च बेटा, बोलना करंट इज 0.5 एम्पीयर, टाइम इज 10 मिनट्स। चलो बेटा, मिनट नू सेकेंड च कन्वर्ट करो, कोई जन आंसर दे दे, 1 मिनट हाउ मैनी सेकेंड्स, हाउ मैनी सेकेंड्स, माइक ऑन करके आंसर दो बत्तर। हाँ जी, 60 सेकेंड्स। 60। वेरी बेटा, नाम बोल दे मैनू ना, जे नाम नहीं ना याद, नहीं तो मैं बाय नेम सर पूछना। चेतना, चेतना बेटा, चेत, ठीक है बच्चे। सो चेतना इंटू 60, दैट विल बी इन सेकेंड, 600 सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं ना, इस जगह पे एक न्यू फार्मूला अपा लोग ने याद करना चार्ज का। चेतना बेटा, चार्ज का फार्मूला होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, क्यू का फार्मूला याद करना एन इंटू ई। अच्छा, एन का क्या मीनिंग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
और जो ई है, ई नू बोलते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है दैट इज 1.6 टेन दी पावर -19 कूलम। यह वैल्यू नेक्स्ट लेक्चर च सारे नू याद होनी चाहिए है। सो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन 1.6 टेन दी पावर -19 कूलम। चलो बेटा देख के जरा नोट करना। पूजा मैडम है, हाँ चेतना बेटा नोट हो गया। सुरभि आई भला क्लास च बेटा? सुरभि, यस सर, सुरभि केड़ी वाली आईडी पुत्र तेरी? यस सर, हाँ चेतना भी है, गीता देवी वाली है। ठीक है, कोई गल नहीं बच्चे। गगन इंदर आया क्लास च? गगन इंदर है बेटा क्लास च? चलो हाँ, चलो ऑन बेटा वैल्यू फिलअप करिए जी यूजिंग इन वन। चलो वैल्यू मेरे नाल फिलअप कर देना, कंप्लीट हो गया ना बच्चे? लिखिए आई यस इक्वल सर, टू जो क्यू है ना, क्यू दे प्लेस से लिखिए एन ई, ते अपॉन लिखिए टी, एन ई अपॉन टी। हेलो, हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। की नाम जी बच्चे का? कहड़े सैक्शन एडमिशन जी उहदी? मैडम नहीं है, 10th वाला मैं टीचर नहीं है, 10th वाले टीचर नू करो फोन। ठीक है हाँ। चलो करंट दी वैल्यू बच्चे फिलअप करो 0.5। ठीक है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ई दी वैल्यू, चलो हम बिना देखे बोलो जरा पुत्र, ई दी वैल्यू कितनी है? 1.6 टेन दी पावर बेटा किन्नी? -19। ते टाइम चेतना किन्ना गिवन है बच्चे? 600 सेकेंड। ठीक है। अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, 600 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 0.5 इंटू 600 अपॉन 1.6 टेन दी पावर -19। ठीक है। अच्छा लो कैलकुलेशन हूँ देखिए बच्चे, 0.5 इंटू 600 अपॉन 1.6 ते टेन रेज टू पावर -19। ठीक है जी, ये आएगा जी 1. कितना सीगा? 875 ते टेन रेज टू पावर 20। सो एन आ गया, और एन इज़ ए नंबर, दैट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अच्छा उन्हें ना मीनिंग भी देखना, न्यूमेरिकल का मीनिंग क्या आ रहा है। अगर 1.875 टेन रेज टू पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स, अगर बेटा इन्ने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ना, देन देयर विल बी ए करंट। किन्ना करंट प्रोड्यूस होना? 0.5 एम्पीयर। ठीक है। अच्छा एक दो पॉइंट होने दे जो मैनू तुसी नाल ही सुना देने हैं। चलो बोलो बेटा क्यू का फार्मूला बोलो सारे जने, क्यू किदे इक्वल है? क्यू का एन इंटू ई, एन नू नंबर गगन इंदर क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन ठीक है बच्चे, ई बोलो क्या है? ई क्या बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज चार्ज ऑन ऑन द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज दी वैल्यू हरलीन 1.6 टेन रेज टू पावर बच्चे किन्ना? -19 नाइनटीन कूलम। ठीक है। माइनस अच्छा चलो नाइनटीन हूँ आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन दे जी। ठीक है पुत्र। अच्छा देखना जो यह वाला क्वेश्चन मैं कल करवा लिया ना, व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट मैं थानू ड्रा भी करना सिखाया सीगा। ठीक है। अच्छा मैंने एक बारी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना,
ये कंपोनेंट्स सुना दो। ठीक है चलो बोलो केड़े केड़े कंपोनेंट्स है बच्चे। बैटरी, की, वेरी गुड। रेजिस्टेंस, हाँ ठीक है एमीटर। एमीटर वोल्ट मीटर। ठीक है बच्चे अच्छा वो मैनू सुनाओगे जरा कि जो तड़ा अपन लोग वोल्ट मीटर लगाया सीगा है ना बेटा। वोल्ट मीटर बोलो बेटा किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है। हाँ जी एम मीटर क्या मेजर करता है। हाँ जी वोल्ट। सर एम मीटर हाँ हाँ करंट मेजर करता है। वेरी गुड। नाम बोल बेटा अपना। ग्रीष्मा सर, वो हरलीन कॉल में मम्मा का नाम अच्छा है तो ठीक है पुत्र ग्रीष्मा चलो। नाम हाँ है। आईडी ना बच्चे दी अपनी नहीं ना कि मदर से नेम थे। हाँ जी हाँ जी अच्छा ठीक है बेटा करंट मेजर करदा। और एम मीटर किस कंबिनेशन च लगाते हैं। कल वाले डायग्राम च करवाया सीरियस सीरीज च लगाते हैं। ठीक है सी और वोल्ट सी मीटर क्या मेजर करता बच्चे। सर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस, वेरी गुड। और वो केड़े कंबिनेशन च पुधर लगाते हैं। पैरेलल पैरेलल हाँ पैरेलल च लगाते हैं। पैरेलल ठीक है अच्छा फिर देखो जी एक बैटरी होगी देन आफ्टर की लगाई सीगी अपन लोग ने देन आफ्टर ए रेजिस्टेंस लगाई है वोल्ट मीटर लगाया एम मीटर लगाया। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। अच्छा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जो स्टार्टिंग ते आपां क्वेश्चन कीता ना करंट दे यूनिट। करंट दे एस आई यूनिट बच्चे क्या सीगे। एम्पियर ना। ठीक है ना इधर देखना जरा एक सेकेंड। हाँ जी डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट बच्चे क्या होंगे एम्पीयर। करंट का यूनिट एम्पीयर। और आप लोग ने 1 एम्पीयर की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है जी चलो क्वेश्चन जरा नोट करो। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। आंसर तो लिखना वही नो एस आई यूनिट ऑफ करंट। वही नो एस आई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इज एम्पियर। अच्छा हूँ 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखे। वी नो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई दे प्लेस से लिखे 1 एम्पियर। चार्ज का एस आई यूनिट 1 कूलम। और टाइम टाइम का यूनिट क्या है 1 सेकेंड। टाइम का यूनिट लिखिए 1 सेकेंड। अच्छा बेटा वर्डिंग उन एक बारी देखना अच्छी तरह। आई क्या है करंट। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है ना करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ ए चार्ज ऑफ। कितना चार्ज है बेटा 1 कूलम। चार्ज ऑफ 1 कूलम इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन। 1 कूलम का चार्ज किन्ने टाइम च फ्लो करना चाहिए विद इन 1 सेकेंड। सो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। सो बेटा राइट डाउन हैंस इलेक्ट्रिक करंट। नाल नाल बेटा कॉपी से नोट करना बच्चे। ये ना है कि सिर्फ सुनते जाओ तो नोट किया ना मैं कॉपी साड़ियाँ साइन करनी है बाद में। करंट इज सेड टू बी 1 एम्पीयर सेड टू बी 1 एम्पीयर इफ ए चार्ज ऑफ इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम
चार्ज ऑफ वन कूलम इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन वन सेकेंड। ठीक। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नंबर है बेटा थ्री। ठीक है चल सुरभि, बेटा नंबर थ्री दी स्टेटमेंट रीड कर बच्चे जरा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूशन वन कॉलम ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज। ठीक है अच्छा सुरभि बेटा, चार्ज कितना बच्चे, वन कूलम। ठीक है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो मैनू फार्मूला सुनाओ, मैं हुने याद करवाया क्यू दा फार्मूला, बोलो बच्चे। हाँ जी सर एन इंटू ई, क्यू दा फार्मूला क्या है, एन इंटू ई। ते ई दी वैल्यू भी तुसी सुनानी है ना बेटा, ई दी वैल्यू बोलो फिर। हाँ जी चार्ज होने लगे वन ई दी वैल्यू बोल बच्चे, वैल्यू वन पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्सटीन 1.16 नहीं पुत्र, सिक्स। ठीक है फिर देख, वन पॉइंट सिक्स 1.6 मल्टीप्लाई इन 10 टेन दी पावर कितनी, 10^-19। हाँ। सो ई दी वैल्यू देखो, कल मैं बाय नेम तुहाडे कोलों सुनना, 1.6 10^-19 कूलम। ठीक है जी चलो हुण स्टेटमेंट नोट कर ली बच्चे सारिया ने, कॉपियां ते स्टेटमेंट नोट की थी पुत्र। यस ठीक है सर। जी, ठीक है बेटा। अच्छा जो हरलीन वाली आईडी है वो ग्रीष्मा लड़की दी है। ठीक है बेटी चलो। हाँ चलो लिखा जरा, वही नो क्यू इक्वल टू एन ई, और चार्ज गिवन है दैट इज वन कूलम, ई दी वैल्यू गगन इंदर 1.6 टेन दी पावर -19 कूलम। ठीक है सो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई, 1 कूलम अपॉन 1.6 10^-19 कूलम। सो इट विल बी 1 अपॉन 1.6 10^-19, 6.25 10^ चेतना 18। ठीक है सर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अच्छा बेटा हूँ आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आओ जरा मेरे नाल जी, बुक सब दे कोल है बच्चे। हाँ ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं तुहानू एक बार रीडिंग करवा देना बच्चे। अच्छा सर देखिए वो कहड़ा थर्ड वाला है, फिर से बताना। वाला बेटा, कहड़ा वाला बेटा बच्चे बोल बत्तर, सर ये वाला 1 मिनट। नोट नहीं किया अभी। डिवाइड कर लेंगे ना बेटा। डन सर। ठीक है जी। अच्छा बेटा बुक सब दे कोल होनी चाहिए है। ठीक है जी। अच्छा बेटा अपन लोग ने व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो, तुम बड़े ध्यान मेरी गल सुननी है। अच्छा देखो बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल ए कंडक्टर इज देयर, दिस कंडक्टर हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है कंडक्टर दे इनसाइड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द रेंडम डायरेक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बेटा क्या होती है, रेंडम, कि कोई इलेक्ट्रॉन ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, कोई वेस्ट, कोई नॉर्थ, कोई साउथ। अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रेंडम होएगी देन करंट विल बी
जीरो, ठीक है, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। अच्छा, अपन लोग ने क्या करना, ए जो कंडक्टर है ना, दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए सोर्स ऑफ ईएमएफ, ठीक है, और जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है दैट इज सिंपली ए बैटरी, ठीक है, लास्ट लेक्चर च भी डिस्कशन हुई है, सोर्स ऑफ ईएमएफ जस्ट एक बैटरी है, जो लॉन्गर वाली लाइन है बैटरी का बच्चे क्या है पॉजिटिव, स्मॉलर वाली लाइन बैटरी का बच्चे क्या है नेगेटिव। अच्छा, जिस तरह ही तुसी लोग बैटरी दे नाल कनेक्शन गिवन करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से केड़ा चार्ज है नेगेटिव, हुन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम नहीं चलनगे, विदाउट बैटरी इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करते हैं रैंडम, करंट विल बी जीरो, ठीक है। अच्छा, हुन सेकंड केस च क्या है कि जिस तरह ही तुसी बैटरी का कनेक्शन लगाओगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बैटरी दे किस तरफ चलनगे, पॉजिटिव, इधर है ना पॉजिटिव, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, हुन रैंडम नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और जिस तरह ही रैंडम डायरेक्शन खत्म हो जाएगी, दे विल मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन देयर विल बी करंट इन द सर्कट। हुन देखो जरा, हुन मेन तुहानू एग्जाम च क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, करंट प्रोड्यूस होंगे, करंट के लिए बेसिकली सर्कट च केड़ी चीज़ चाहिए है बच्चे, सोर्स ऑफ ईएमएफ चाहिए, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर बुक है ना, तो है किसी को स्टूडेंट नाम बोलो बच्चे, किसी को इस टाइम तो हैंड चैगी बुक, चेतना यस सर, हैगी, मेरे ठीक पास है, चेतना तो इस तरह कर, इतों थोड़ा जा रीडिंग करना स्टार्ट कर, ठीक है, ठीक है, रीडिंग कर, जितने सर। जरूरत है मैं एक्सप्लेन कराँगा। हाँ जी बोल बेटा। व्हाट मेक्स यहाँ से व्हाट हाँ, स्टार्ट कर दे बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो, लेट अस कंसीडर द एनालॉजी, एनालॉजी हाँ, ऑफ एनालॉजी फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ ऑफ वाटर। वाटर। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाय देमसेल्व्स, जस्ट एज वाटर इन अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो इफ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ टैंक ऑफ वाटर केप्ट एट अ हायर हायर लेवल, लेवल, ठीक है बच्चे, हाँ सच दैट देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, ठीक है। वाटर अच्छा, फ्लोज ये बेटा आउट। अंडरलाइन करिए, अगर वाटर नू फ्लो करवाना, ठीक है, वाटर नू फ्लो करवाना तो क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए, ठीक है ना। हुन बोल बेटा आगे जरा। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द अदर आराम ना एंड बोल बेटा, ऑफ आराम ना, द हौली हौली बोल, कोई गाल नहीं, कोई गाल ही नहीं है, इतने जूम मीटिंग नहीं है, टाइम कोई ख़त्म नहीं होना, आराम ना बोल, शाबाश। ओके सर, अदर एंड ऑफ द ट्यूब फॉर फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टिंग मेटालिक वायर, द ग्रेविटी ऑफ कर्स हैज नो नो रोल टू रूल प्ले, ठीक है टू बच्चे, प्ले, द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल हाँ, हुन डिफरेंस हुन हुन बेटा अलोंग द रुक, हुन कंडक्टर। रुक, ए लाइन बेटा सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कदों मूव करते हैं, व्हेन देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली अपन लोग ने किदे थ्रू अप्लाई करना, बैटरी, ठीक है ना। सो ए जो तुहाडी बैटरी है ना, ए बेसिकली सर्कट च क्या मेनटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, और बैटरी दी वोल्टेज किन्नी, वी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन से फ्लो दे लई बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल है, बैटरी, बैटरी विल प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो किदी तरफ बेटा मूव कर दिया, टूवर्ड्स द पॉजिटिव। चलो कॉपी ते ना हेडिंग लिखो जरा, हेडिंग लिखो इंपॉर्टेंट नोट, हेडिंग लिखे बेटा इंपॉर्टेंट नोट, चेतना माइक ऑफ कर ला पुत्र, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखिए, वी नो इन ए कंडक्टर
वी नो इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द रैंडम डायरेक्शंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन द रैंडम डायरेक्शंस देयरफोर करंट विल बी जीरो करंट विल बी जीरो फर्स्ट वाला डायग्राम ने नाल ड्रा करिए अर्शिंदर करता पे ड्रा पुत्र वंश सूरी वाली आईडी पुत्र किसी है वंश सूरी फर्स्ट वाला डायग्राम हो गया बेटा कंप्लीट हाँ जी बेटा मैसेज कर दो या रिप्लाई कर दो ठीक है जी Yes, ठीक है बेटा अच्छा फिर नेक्स्ट लाइन लिखे बच्चे वेन एवर ए कंडक्टर वेन एवर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड वेन एवर ए कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी और बैटरी और सोर्स ऑफ ईएमएफ सोर्स ऑफ ईएमएफ देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स अ टूवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी प्रोवाइड्स अ बैटरी प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस हेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट ठीक है चलो बेटा इस स्टेप तक ना तुसी लोग आज काम अच्छी तरह करना कंप्लीट ठीक है नेक्स्ट लेक्चर फिर मैं ना तुहानू पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट और ये न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर च करवावांगे बट नेक्स्ट लेक्चर हाँ जी बेटा बोलो बच्चे सर जो आपने बुक पे लाइन मार्क कराई थी वो एक बार दोबारा दिखाना। हाँ बेटा देखो कल तो बेटा सब दे कोल बुक होनी चाहिए है मैं मतलब कैमरा ऑन करवा के ते पहला बुक तड़ी चेक करनी है
ठीक है, अगर बुक होएगी तो तुसी मीटिंग क्लास अटेंड करोगे, अगर बुक नहीं है तो फिर मैं तुहानू मीटिंग च अलाउ नहीं करना। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स होए, बुक होए, फिर ही पढ़न का मज़ा आता है। ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, मार्क कर लिया बच्चे जी। ठीक है बेटा, अच्छा एक बार ना बेटा मैं अपनी अटेंडेंस हूँ देखो मार्क करवाओ, क्योंकि आईडी के ऊपर तो अटेंडेंस साड़ी शो नहीं ना हो रही। चलो टर्न बाय टर्न इस तरह करो, मैसेज करो अपने अपने नेम का, मैं उतों ही चेक कर लैंदा। ठीक है बच्चे, चेतना, ठीक है बेटा, देन आफ्टर एक प्रेजेंट आई, सब जने मार्क करो बेटा, मैसेज करो, साक्षी अरोड़ा मतलब प्राची, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन च तो प्राची के नाम से चलना, साक्षी दे नाम प्राची। ठीक है बेटा, उस तो बाद प्राची तो बाद सीगा जी अभी मल्ली, अभी मल्ली बेटा है सेम ही है नेम तेरा, अभी मल्ली, हरलीन, हरलीन दा आईडी जो है वो लड़की ग्रीष्मा। ठीक है, अंशु गंडोत्रा, अंशिका गंधोत्रा है। हाँ जी अंशिका गंधोत्रा हाँ बेटा, तू नाम लिख फिर पूरा, क्योंकि मैनू तो आईडी ते अंशु ही शो हो रहा ना, पूरा नाम लिख, प्रेजेंट सर का मतलब मैनू थोड़ी ना पता चलना, नाम लिखो अपना पहला, जिस तरह ने लिखा ना लड़की ने सुरभि ने, ठीक है अपना नाम लिख के फिर लिखो प्रेजेंट सर। ठीक है जी, सुरभि तो बाद होर देखो कौन प्रेजेंट है, मैसेज करो पुत्र। हाँ सर हरगुण एक सेकंड, गुरिंदर कौर, गगनिंदर सिंह, ठीक है जी, गगनिंदर, देन आफ्टर अंशु गंडोत्रा, अंशिका बेटा नाम है ना, ठीक है जी, यस ठीक है पुत्र। अच्छा एक नूर सिंह नागी किटी, एक नूर सिंह, ठीक है अच्छा जी, देन आफ्टर रोज वालिया, हरगुन, हरगुन है बेटा। यस सर अच्छा जो आज लेक्चर तुहानू मैं करवाया ना, यह थोड़ी देर तक तुहानू यूट्यूब ते भी अवेलेबल हो जाना, ठीक है बेटा, अगर किसी का मिसिंग है लैक्चर ज किसी का फ्रेंड्स आ मिसिंग है, सारे ने इनफॉर्म करो, तो लैक्चर जो है रिकॉर्डेड है, तो आफ्टर 10 और 15 मिनट ग्रुप चो का लिंक आ जाएगा, अगर रिवाइज करना आएगा रिवाइज कर लेना, वंश सूरी, और बाकी स्टूडेंट्स नू भी मोटिवेट करो, ठीक है जी, क्लास मेरी लगाया करन। अभी मल्ली, अभी राज ज्यादा फुल नाम है ना, कल तो ना कोशिश करो अपनी आईडी के ऊपर तुसी अपना ही नेम लिखो, नेम अपना चेंज कर लेना। ठीक है, अच्छा अटेंडेंस सिर्फ 11 स्टूडेंट्स ही हुई है, स्टूडेंट स्टिल अजय होर मिसिंग है, देखो कौन रह गया बच्चे, देखो मेरे को अटेंडेंस आई है चेतना, प्राची, अभिराज, ग्रीष्मा, अंशु, सुरभि, गगनिंदर, अंशिका, इकनूर सिंह, हरगुन ते वंश, बाकी कितने हैं। ठीक है चेक कर लो बेटा, जिदी अटेंडेंस नहीं है मैनू फिर मैसेज कर देना। ठीक है चलो, ठीक है बेटा, इन्ना टॉपिक उसे अच्छी तरह रिवाइज करना, फिर आप नेक्स्ट लैक्चर च करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे बेटा। मन्नत, ऋषभ के नाम से मन्नत, ठीक है जी, होर कौन रह गया, चलो ठीक है, बाकी अपने फ्रेंड्स में भी कल लैके आना, क्लास का टाइम है तुम्हें एटलीस्ट 30 मिनट पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो निक्की करके ना, मुस्कान, नितिका, मुस्कान, होपफुली तुसी लोग ने काफ़ी इंजॉय किया ना क्लास में, कल तो बुक अपनी लैके बैठो नाल, ठीक है जी, चलो ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, मीटिंग वो निक्की करके बेटा लीव कर लो, तो फिर नेक्स्ट लैक्चर डिस्कशन करेंगे, थैंक यू बेटा।